हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षल मुदिराज और आज मैं एक फ़िटनेस मॉडल के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत आप लोग में से बहुत ऐसे होंगे जो इस फिटनेस मॉडल को जानते भी हैं। ये बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम और यूट्यूबर है। इनका नाम है सर्जी कॉन्स्टेंस। सो सर्जी के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आज पहली बार मैं आपको उनका टिपिकल वर्कआउट और टिपिकल डाइट क्या होता है एक फिटनेस मॉडल का, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और फिर जाते हैं उनके डाइट और कॉन्टेस्ट प्रेप पे। सो सर्जी का अगर स्टेट्स देखें तो सर्जी का कंपटीशन वेट होता है 215 से लेके 225 पाउंड्स। उनकी हाइट होती है 6 फुट 11 इंचेस। आर्म की साइज़ है 19.5 इंचेस। चेस्ट की साइज़ है 49.5 इंचेस। वेस्ट की साइज़ है 34.3 इंचेस। सो सर्जी कॉन्स्टेंस का जन्म हुआ था 1988 में वैलेंसिया, जो स्पेन में है। सो सर्जी एक स्पेनिश है। प्रोफेशन से बात करें तो सर जी एक बॉडी बिल्डर है, फिटनेस मॉडल है और एक एंटरप्रेन्योर है। ये खुद की अपनी एक क्लोथिंग लाइन भी चलाती है और सोशल मीडिया पे इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो ये अपने क्लोथिंग लाइन को इंस्टाग्राम पे हमेशा प्रमोट करते हैं। सो सर जी का मेंस फिजिक में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल करियर रहा है। सो आईएफबीबी और डब्ल्यूएफ में हमेशा सर जी खेलते हैं। सो सर जी हमेशा एक मेंस फिजिक में कम्पीट करते हैं, लेकिन इनकी प्लेसिंग मुझे पता नहीं क्यों कभी अच्छी आती नहीं है। रिसेंटली मैंने उनका एक व्लॉग देखा था, उसमें सर जी बहुत टॉप नॉच कंडीशन में थे, लेकिन फिर भी उनकी प्लेसिंग टॉप 10 में भी नहीं आई। उनके शायद 10th या 11th प्लेसिंग आ गई थी। सो मुझे पता नहीं मेंस फिजिक में जजेस एक्चुअली क्या देखते हैं, और सर जी को अगर आप देखें मॉडल तो सर जी एक परफेक्ट मेन फिजिक रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या पता आने वाले सालों में अगर सर जी कम्पीट करते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीत जाए तो अच्छी बात है। सर जी की बात करें तो सर जी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में उनको सक्सेस मिला नहीं, बट वो एडुकेशन में और फिटनेस में भी उनको अच्छा सक्सेस मिला है। सो सर जी एक बैचलर डिग्री है उनके पास स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड फिजिकल एक्टिविटी की, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वैलेंसिया स्पेन से ली है। मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वैलेंसिया ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जब बात आती है फिजिकल एंड एडुकेशनल स्पोर्ट्स की। सो वहाँ से उन्होंने ये डिग्री ली है। तो सर जी जानते हैं कि कैसे एक फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है और कैसे अपने मसल्स को ग्रो करना है। सो सर जी हमेशा एक स्मार्ट पे लगाते हैं अपने मसल्स को डेवलप करने में। सो बचपन से ही सर जी हमेशा स्पोर्ट्स एबिलिटीज़ में हमेशा आगे रहे हैं। उनको स्पोर्ट्स के ओर ज़्यादा प्यार था, इसलिए उन्होंने अपना जो एडुकेशन है वो भी स्पोर्ट्स में ही कंटिन्यू किया था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हाँ, मैं वर्कआउट भी करूँगा। तो वर्कआउट करते करते उनकी बॉडी भी अच्छी हो गई, तो उन्होंने एक मॉडलिंग भी की उसके साथ, और एक एस्थेटिक लुक था। तो और उस टाइम पे मॉडल्स की बहुत कमी थी, तो सर्जी कॉन्स्टेंस एक अच्छे मॉडल उभर के आ रहे थे उस ज़माने में। सो उसके बाद उन्होंने अपना अटेंशन फोकस किया बॉडी बिल्डिंग पे। सो बॉडी बिल्डिंग शोज में सर्जी को ज़रूर सक्सेस मिला और मैं आई होप आगे भी मिलता रहेगा। सो उसके साथ आज भी वो क्लोथिंग लाइन चलाते हैं और रिसेंटली अब सर्जी रहते हैं मायामी फ्लोरिडा में, जहाँ पे वो फिटनेस मॉडल और एक ट्रेनर की ओर काम करते हैं। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्जी का ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे वो अपने पूरे बॉडी को ट्रेन करते हैं पूरे हफ्ते में। सो सर्जी का मैं पूरा टिपिकल ट्रेनिंग प्लान बताने वाला हूँ। सो सर्जी का ट्रेनिंग प्लान ये होता है कि मंडे को वो लगाते हैं क्वाड्स एंड काफ। सो उसमें होता है उनका लेग एक्सटेंशन, स्क्वाट्स, लेग प्रेस, सिंगल लेग एक्सटेंशन, सीटेड काफ रेस और स्टैंडिंग काफ रेस। ट्यूजडे को वो लगाते हैं चेस्ट, ट्राइसेप एंड एब्स। उसमें होता है इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन हैमर प्रेस, डंबल फ्लाइज, डिक्लाइन चेस्ट प्रेस, डिप्स, ट्राइसेप एक्सटेंशन और इंक्लाइन स्कल क्रशर्स। उसके बाद वेडनेसडे को वो लगाते हैं बैक एंड बाइसेप्स। उसमें होता है लैट पुल डाउन वाइड ग्रिप, उसके बाद बारबेल रोज, वन आर्म डंबल रोज, लैट पुल डाउन रिवर्स ग्रिप, डेडलिफ्ट, हैमर कर्ल्स, प्रीचर वन आर्म डंबल कर्ल्स। फिर थर्सडे को वो रेस्ट लेते हैं। उसके बाद फ्राइडे को वो लगाते हैं शोल्डर्स एंड ट्रैप्स। उसमें होते हैं उनके सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस, सीटेड साइड लैटरल रेजेस, रियर डेल्ट मशीन, अपराइट रोज, डंबल श्रग्स। फिर सैटरडे को वो लगाते हैं हैमस्ट्रिंग एंड एब्स। उसमें है लाइंग लेग कर्ल्स, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, हैमस्ट्रिंग वन लेग कर्ल्स, क्रंचेस, हैंगिंग लेग रेस। और संडे को वो रेस्ट लेते हैं। सर जी की अगर डाइट की बात करें तो एक फिजिक मॉडल का मैं आपको डाइट बता दूँ कैसे होता है। सो सर जी दिन में 6 to 7 मील्स कंज्यूम करते हैं। सो उनके मील्स में हमेशा ओट्स, एग्स, एग वाइट, राइस केक, रेड मीट, वॉलनट्स, चिकन, टमाटोज, प्रोटीन शेक, आइसोलेट प्रोटीन, ग्लूटामिन, सैलमन, ट्यूना, वेजिटेबल्स, ये पूरा भरा होता है। और सप्लीमेंट्स की बात करें तो सर जी लेते हैं मल्टी वाइटामिन, BCAAs, ग्लूटामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और वे प्रोटीन आइसोलेट। सो सर जी
को पूछा गया था कि आप अपना आइडियल्स और इन्फ्लुएंस किसको मानते हैं, सर जी ने कुछ इस तरह से जवाब दिया था कि माई अल्टीमेट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम माई इनर गोल टू वन डे टू बिकम अ वर्ल्ड फेमस फिटनेस मॉडल एंड हैव वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स इन द इंडस्ट्री। सो सर जी से हम ये सीख सकते हैं कि जो भी अपना हार्डवर्क है अपना फिजिक में लगा दो और क्लीन ईटिंग फॉलो करो, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस वर्ल्ड में। सो सर जी की इंस्टाग्राम की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है, मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ। मैंने उनको फॉलो किया था आई थिंक 2014 या 14 के एंड से शायद फॉलो किया था, और मैं बहुत उनका फ़ैन हूँ उनके शोल्डर ओपनिंग का, क्योंकि सर जी का जो फेवरेट ट्रेनिंग पार्ट है वो शोल्डर है और चेस्ट है, और उनमें से भी उनका फेवरेट एक्सरसाइज है इंक्लाइंड डम्बे और साइड लैटरल्स, और उसके साथ डेडलिफ्ट और लेग्स में हमेशा सर जी ट्रेन करते हैं। तो मुझे लगता है सर जी एक परफेक्ट फिजिक है अगर कम्पीट करते हैं तो, मुझे लगता है ऑफकोर्स उनको जीतना चाहिए मेन फिजिक में। फिलहाल तो वो ट्रेनर और एक फिटनेस मॉडल की तौर काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको और अपना फोकस अभी भी शिफ्ट कर सकते हैं वो अपने मेंस फिजिक में, और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा आर्नोल्ड क्लासिक या मिस्टर ओलंपिया में अगर वो आते हैं तो उनको देखना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उनका जो लुक्स है और उनके जो एब्स है वो बहुत उभर के आते हैं और एक बहुत अच्छी कंडीशनिंग लाते हैं हमेशा सर जी। सो बस यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मैं और सर जी के ऊपर पार्ट टू भी एक बना दूंगा इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे डेप्थ में बात करेंगे कि और सर जी क्या करते हैं और मेंस फिजिक में क्या देखा जाता है और कौन कौन टॉप मॉडल्स हैं मेन फिजिक में। सो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन है उसको क्लिक करो, उसको क्लिक करेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपकी फ़ोन पीसी टैबलेट पर नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं। सो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। टिल देन गुड बाय, सी यू एंड थैंक यू।